आरपी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। अभी मैं मौजूद हूँ राजभवन के उद्यान में, जो आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति से यह उद्यान आज से 27 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। वहीं इस उद्यान में प्रवेश के लिए कई शर्तें और नियम भी लागू किए गए हैं। लोग गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद ही इस उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं। आज पहले ही दिन लोग सब परिवार इस उद्यान में पहुंचे हैं और इस खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और उन लोगों से, या जो उद्यान है वो गुलजार हो चुका है, तो आज उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना से इतने लंबे समय के बाद जब यह उद्यान खुला है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सभी फूल अच्छे हैं, बट आपका कोई तो फेवरेट होगा। सब अपने आप में लाजवाब है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद ये उद्यान फिर से खुला है? पहली बार आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहर के वैसे ये सब बंद था हम लोगों के लिए, तो फिर कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद? अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना साल से बंद था, फिर अब खुला है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? यस, और पहली बार यहाँ आए हैं इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? जानने का जिज्ञासा तो है लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब ये कौन सा फूल है। काश लिखा भी होता तो देख के जान जाते कि हाँ ये इसका नाम ये है। जो फूल जानते हैं हम लोग, जैसे गुलाब है, सूर्यमुखी है, वो सब तो पहचान जा रहे हैं, लेकिन अदर फूल को नहीं जान पा रहे हैं। मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद आया। अच्छा, हर कलर हर डिजाइन का है, मुझे बहुत अच्छा लगा हर चीज़ यहाँ का। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, आपने बच्चों को सुना, महिलाओं को सुना और बड़ों को सुना। इस उद्यान खुलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो इस उद्यान में पहली बार आए हैं और इस खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि एक बार फिर से लोगों की ज़िंदगी जो है वो फिर से पटरी पर लौट आई है। उम्मीद करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।